वो लोग ही महसूस कर सकते। वो सांप्रदायिकता के बीच, वो वैमनस्यता के बीच इस बंटवारे ने बो दिए जो आज तक जिंदा है और आज भी समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या कहाँ हुई? शुरुआत में ये 1906 में हुई जब मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग का ये था कि हमें मुसलमानों की जो है सुरक्षा करना है, उनके हितों को बनाए रखना है। फिर एक बात आई 1933 में कि एक हमें पाकिस्तान की बात, एक पाकिस्तान बनाया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी उस समय थी महात्मा गांधी और नेहरू की, उन्होंने भी बहुत सारी गलतियां की। पहले उन्होंने, गांधी जी ने कहा था बंटवारा होगा तो मेरी लाश से होगा, मेरी लाश उठेगी तभी बंटवारा हो सकता, बंटवारा नहीं होगा। लेकिन उन्होंने समझौता कर लिया और ये बंटवारा हुआ और उस बंटवारे ने बहुत सारी पीड़ा दी, बहुत सारा दर्द दिया और उस दर्द को आज भी महसूस कर रहे। तो आज इस दिवस की मनाने की क्या जरूरत है? उसे ढूंढने की जरूरत है, उसी उस विभेदता को खत्म करना है, एकता और भाईचारे को बनाए रखना है। वो समाज की आज की बड़ी आवश्यकता है। आज हम कितना बढ़ गए हैं धर्म के नाम पे, एरिया के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, वर्ग के नाम पे, वर्ण के नाम पे, हम सब बटे हुए। कोई मिलता है तो पहले इंट्रोडक्शन, कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, किस जाति के हो। मैं भी उसी जाति का हूँ, मैं भी उसी वर्ग का हूँ, उसी जो है गोत्र का हूँ। कितना बंटवारा करेंगे, इन राजनीतिकों ने हमारा बंटवारा कर दिया। लेकिन एक चीज बच्चों ध्यान रखना, मानवता से बड़ी कोई चीज नहीं होती। यदि आप में इंसानियत है तो सबसे बड़ी पढ़ाई आपकी इंसानियत की है। वो इंसानियत की पढ़ाई पढ़ना है, एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। आज जो घटनाएं घट रही हैं, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति तो हमने बहुत कर ली है, हम चंद्रमा तक पहुंच गए हैं, लेकिन हम पड़ोसी को भूल गए। कहते ना, फासलों में आगे कितनी कमी, चांद के नज़दीक है अब आदमी, सोचे लेकिन मैं रहा हूँ देर से, आदमी से क्यों दूर है आदमी, आदमी से क्यों दूर है आदमी। हमारे पीछे दूरियों पर, उन दूरियों के कारण है। आज के दिन का सिर्फ पर्पज यही है कि हमें अपने भाईचारा को बढ़ाना है, एक दूसरे की सहायता करना है, सौहार्द बनाए रखना है और एकता और अखंडता को बनाए रखना है। ये सबसे बड़ा सीख। और एक चीज ध्यान रखना है, किसी पे आश्रित होने की जरूरत नहीं है, खुद कदम उठाना है। जब खुद पहल करना सीख जाएंगे, स्वयं पहल करना सीखे, आप दूसरे के आंखें पर रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। सूर्य है, इतना चमकता है, अब उससे कहो कि सारी जगह उजियाला कर दे, वो नहीं कर सकता। तो किसी कवि ने लिखा है, और इस बात को यहीं से खत्म करूंगा, फिर जो आपका टॉपिक है उस पर बात करूंगा। किसी कवि ने लिखा, आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, तेरे साम्राज्य में अंधेरा भला क्यों, तम तमा कर वो दहाड़ा, आकाश की आराधना के चक्र में मत पड़ो, तुम निकम्मा के लिए मैं आखिर कब तक लड़ूं, हो जाएगा अंधेरा दूर, कुछ तुम बढ़ो कुछ मैं बढ़ो। थैंक यू वेरी मच। अब बात करते हैं, जीवन में व्यक्तित्व बहुत जरूरी है, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या होती है? एक बार एक आदमी आया, जैसे मैं सपोज आया, तो आपने देखा ये कैसा है, लंबा चौड़ा है, देखा ये तो छोटे ही कर गया, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, है ना। आदमी का आउटलुक 10 और 20% होता है मैक्सिमम। इनर गुण, जो आंतरिक गुण होते हैं, वो 80% काउंट करते हैं। हो सकता है एक आदमी बहुत देखने में लंबा चौड़ा, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर कपड़े पहन रखे हैं, आपने देखा यार ये बड़ा स्मार्ट है, इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। बात करते हैं ना, पर्सनालिटी वो नहीं है। जब वो बात करता है तो हकलाता है, तुतलाता है, बात नहीं कर पाता है, अपनी बात भूल जाता है, तो फिर क्या कहेंगे, अरे तो कुछ नहीं। पर्सनालिटी आपके अंदर गुण कितने हैं, आपने योग्यता कितनी है, आपने क्षमता कितनी है, आपने कार्य कुशलता कैसी है, आपने व्यवहार कैसा है, आपका आचरण कैसा है, ये भी जरूरी है। इनको अपनी पर्सनालिटी में लाना है। तो पर्सनालिटी हम अपनी निखारें तो कैसे निखारें? एक चीज ध्यान रखना, जो शक्लें दी है ना, उसको तो हम थोड़ा बहुत मेकअप करके बदल सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन आपने मिरर जो गुण विकसित है, आप ये मत कभी सोचे मिरर के सामने जाके, दर्पण के सामने, कि मेरा तो कद छोटा है, मेरा कलर काला है, मेरी नाक टेढ़ी है, आंखें छोटी हैं। कुछ नहीं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी आंखें, आपकी सोच, आपके विचार और संकल्प पर निर्भर करती है, आपकी बनावट उस पर निर्भर करती है।
देवता थे, टेढ़े थे, आठ जगह असला मतलब आठ जगह टेढ़े थे, लेकिन योग्यता इतनी थी कि सारे ब्रह्मांड को तीन कदम ही ना। तो आप ये मत सोचिए, संरचना कई बार आपके ऊपर तो निर्भर नहीं करती कि हम ऐसे बन जाए, वो तो माँ बाप से मिलता है। पर्सनालिटी दो तरह से बनती है, एक हेरिडिटी करेक्टर जो माँ बाप के गुण होते हैं उससे बनती है। अब माँ बाप इसके लंबे चौड़े तो बच्चे भी लंबे चौड़े होंगे, माँ बाप गोरे हैं तो बच्चे भी गोरे होंगे। लेकिन दूसरा कारण है इन्वायरमेंट, कैसे वातावरण में रहते हैं, जिस तरह के वातावरण में रहते हैं, जिस तरह की विचार इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो भी आपको बहुत कुछ बनाता और सिखाता है। भाई ठीक है, आप बहुत सुंदर पैदा होंगे, माँ बाप बहुत सुंदर थे, लेकिन आप जहाँ गाली गलौज होता है, जहाँ गंदे विचारों वाले लोग रहते हैं, खान पीन गंदा है जिनका, उनके पास रहेंगे तो वो भी तो धीरे धीरे सीखते हैं ना। बीड़ी सिगरेट पीने वाले रहते हैं तो आपको भी मन में आता है बीड़ी में कुछ मजा होता है, बोला जब चक्के देखते हैं ना वो मन में आता है ना कहीं ना कहीं। ये चीज़ें विचारों तो इन्वायरमेंट का भी फर्क पड़ता है। अब हम क्या करें, क्योंकि आप 9th, 10th और 11th, 12th के स्टूडेंट, क्या करें जो हमारी पर्सनैलिटी यूनिक बने, हमारी पहचान बने। हर एक इच्छा होती है ना, हर एक तमन्ना होती है कि मेरी एक अलग पहचान हो, लोग मुझे माने, लोग मुझे जाने, लोग मुझे सम्मान दें, लोग मुझे प्रतिष्ठा दें। ये कैसे संभव है, हर एक को मिलता है? नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपने अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं किया। और ईश्वर में हर एक को एक प्रतिभा भी होती है, जितने लोग हैं सकले अलग अलग है, ऐसी प्रतिभाएं भी अलग अलग है। हो सकता है कोई आर्ट में बहुत अच्छा है, कोई डांस करने में बहुत अच्छा है, कोई खेलने में बहुत अच्छा है, कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है, कोई एक्टिंग करने में बहुत अच्छा है। सबकी अलग अलग प्रतिभाएं हैं। अपनी प्रतिभा को पहचानो और आगे पढ़ाओ उसको, उसको मारना नहीं है। कई बार मम्मी पापा जबरदस्ती थोप देते हैं, नहीं तुम्हें तो डॉक्टर बनना है। अरे मैं नहीं बन पाया, अपने बच्चों को जबरदस्ती क्यों बनाना चाहता हूँ। पहले कहा जाता था खेलना कूदना बहुत खराब है, अब खेल में लोग कितने आगे आगे, आप ओलंपिक खेल आए सीधे IPS में भी लग जाते हैं। तो आप कोई भी करो, एक अलग और अनोखा काम करो, आपकी अलग पहचान बनेगी। भेड़ चाल में कोई भीड़ चाल में कोई किसी को नहीं पूछना है, थोड़ा अलग करना है और ये मन बिठा लेना है, सब कुछ कर लोगे। और जब तक ये रहता है कि अरे नहीं अच्छे तार देते हैं, तारना नहीं है, जो मन में है उसको अभ्यास करके दिखाना है। एक टारगेट बनाओ, एक एम बनाओ, एक एम तय करो कि मुझे करना क्या है। जो घर वालों ने जबरदस्ती स्कूल भेज दिया, पढ़ रहे हैं, यदि आपका पढ़ने का मन नहीं करता मत पढ़ो, खेलने का मन करता खेलो, लेकिन आप देखते हो मम्मी पापा जबरदस्ती कर रहे हैं। और ये ध्यान रखना है कि जो आपकी प्रतिभा है उसको खुद पहचानने की भी कोशिश करो, और जो पेरेंट्स हैं, बड़े हैं, टीचर्स हैं, वो भी बच्चे की प्रतिभा को देखें, जाने कि क्या बेहतर कर सकता है और उसको उसकी तरह से आगे बढ़ाएं, तो निश्चित रूप से उसको अपना लक्ष्य मिलेगा। तो पहला काम एक टारगेट बनाना, सिलेक्शन ऑफ एम इन इट्स मेंटेनेंस, जिंदगी में एक लक्ष्य बनाओ कि मुझे क्या करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एक अच्छा इंसान ही बनना है, सामाजिक सेवा करनी है, बहुत सारे जॉब है आजकल कहते हैं बेरोजगार है, यूथ इज वर्थलेस, लेकिन मैं कहता हूँ यूथ इज वर्थलेस, उसको जो है ना यूथ बेकार नहीं है, बेरोजगार जरूर है, लेकिन उसकी प्रतिभा को पहचाना नहीं जा रहा है। उसकी प्रतिभा को खुद पहचानना है और परिवार के टीचर्स भी पहचाने और जो पेरेंट्स हैं वो जाने। तो सबसे पहले एक लक्ष्य बनाओ, मुझे क्या करना है जीवन में। यदि आपका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो आप कामयाबी क्या करोगे, देख लेंगे जो करेंगे, देख लेंगे तो क्या करेंगे। मान लो आप जंगल में गए हैं घूमने के लिए, ठीक है ना, और जंगल में घूम गए, शेर मिल गए तो क्या करेंगे, देख लेंगे। आप क्या देख लेंगे, वो खुद ही देख लेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि लक्ष्य बनाना है कि मुझे लक्ष्य क्या करना है और लक्ष्य के अनुसार तैयारी भी करनी है। ये नहीं कि रात में सपने में सोच रहे IAS बनना है, IPS बनना है, लेकिन ये IAS और IPS की बात करें या टॉपर बनना है तो उसके लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, उतनी तैयारी करनी पड़ेगी, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतना पसीना बहाना पड़ेगा। जब तक पसीना नहीं बहाते तब तक कुछ नहीं होता। हम वैसे नहा के तो निवास बदल सकते हैं, जिंदगी बदलनी है तो पसीने से नहाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा,
परिश्रम करना पड़ेगा, परित्याग करना पड़ेगा और जब बलिदान करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग देखते हैं ना, एक थोड़ी घटना याद आ गई मुझे, चतुर्वेदी जी मैं आपका भी ध्यान दिखाऊंगा। इधर मेरा एक कजन था, वो IIT पढ़ता था, मैं PG में था। तो मैं कहता यार मेरे को बहुत नींद आती, तुम कैसे पढ़ लेते हो? बोला भाई साहब मैं क्या करता हूँ, जब नींद आती तो हरी मिर्च रखता हूँ, खा लेता हूँ और मुँह फड़फड़ा जाता तो नींद अपने यहाँ भाग जाती है। कितने लोग कर सकते हैं? कहना और करना बहुत अंतर होता है। और वो IIT बना, उसके दोनों बच्चे IIT हैं। तो ये कहने का मतलब, जो परिश्रम करते हैं, मिर्च खाते हैं, बहुत तीखी होती है लेकिन मिर्च में भी लोग स्वाद ढूंढ लेते हैं, खाना खाने बोले हरी मिर्च नहीं है, मज़ा नहीं आया, तो उसको यूज़ कैसे करना है ये डिपेंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले ज़िंदगी में कामयाब होना है एक लक्ष्य बनाओ कि हम क्या बनना चाहते हैं और लक्ष्य के अनुसार तैयारी करो, ठीक है ना। यदि आपने लक्ष्य के अनुसार तैयारी नहीं की तो बात नहीं बनती। जैसे मान लो आपने बहुत अच्छी चिट्ठी लिखी है और एड्रेस नहीं पता है तो वो कहाँ जाएगी? कहीं नहीं जाएगी। आपने डाकखाने में डाल दी या किसी को दे दी, उसको भेज दे तो कहाँ भेजेगा? एड्रेस तो नहीं है। तो उसके लिए एड्रेस लिखना भी जरूरी है, एक पहले टारगेट बनाना है। फिर इसके बाद है कार्य पूजा, वर्क इज बर्सिंग, जो भी काम करना है तो मन लगा के करना है। गुरु गोविंद सिंह का नाम सुना है? गुरु गोविंद सिंह क्या कहते थे? देह सिमावर मोहि मुझे, शुभ कर्मन ते कबहु न करूं, जब जाए लड़ुवारी से निश्चय कर अपनी जीत करो। ऐसी तो आपको कर्म जो करना है वो पूजा की तरह, वर्षी जैसे पूजा करते बड़े ध्यान लगा के करते ना भगवान जी, ऐसे ही अपना जो काम करना है ध्यान लगा के। कि नहीं मोबाइल चल रहा है, अपनी पढ़ाई चल रही है, किताब के अंदर मोबाइल है, मम्मी आई तो किताब बंद, मोबाइल वाला पढ़ना बंद, पलट दिया। ये बेटा कौन देख रहा है? ये खुद स्वयं देखना है आपको कि कार्य के प्रति आप कितना जो है कर्म की कितनी पूजा करते हैं। मोबाइल एक बहुत बड़ी बीमारी है। कितने बच्चे ऐसे हैं यहाँ स्कूल में, तो खैर मना होता है, कॉलेज में तो लगभग सभी लेके आते हैं, तो मैं कई बार ये पूछता हूँ कितने बच्चों के पास है, तो कई ग्रामीण बच्चों के पास आज भी मोबाइल नहीं होते। अब तो बहुत बढ़ता जा रहा, धीरे धीरे प्रचार प्रसार, लेकिन उस चीज़ तो अच्छी है, उसका उपयोग कैसे करते हैं ये उपयोग पे डिपेंड करता है। तो मोबाइल का यूज़ करें नॉलेज गेन करने के लिए, गूगल सर्च करने के लिए, AGT पे आता है उससे करने, चेक करने के लिए, वो आप कर सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, बहुत सारी चीज़ें आपको बताने लगा, लेकिन सीमित वो दुनिया है, गूगल की वो दुनिया है, उसने खो गए फिर आपको कोई ढूंढ नहीं पाएगा, खुद अपने आप को नहीं ढूंढ पाओगे। बहुत सारे बच्चे माँ भी बहुत सारी इसमें दे, पेरेंट्स हम लोग भी दोषी हैं, छोटे बच्चों को रोने से बचाने के लिए उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं, जब फिर मोबाइल नहीं मिलता वो जिंदगी भर रोता रहता है, जो उसकी आंखें खराब हो जाए, उसकी सोच खराब हो जाए, उसका विचार खराब हो जाए, उसका दिमाग खराब हो जाए, वो सब काम करते हैं। लेकिन हमें जरूरी है कि मोबाइल से भी संतुलित तरीके से उसका यूज कैसे करते हैं उस पर डिपेंड करता है। बेलन है ना, रोटी बनाने के काम आते हैं, लेकिन कई बार लड़ाई हो जाए तो हथियार का काम करता है ना, तो उसको यूज कैसे करना है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। फिर आत्मविश्वास, बच्चों जिंदगी में कामयाब होना है तो आत्मविश्वास बेहद जरूरी है। कॉन्फिडेंस, आई विल डू इट, आई कैन डू इट। जब ये सोचो कि मैं कर सकता हूँ, आप सब कुछ कर सकते हो, नहीं मेरे बस का कुछ नहीं है, तो कुछ भी नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पे एक नाली आ जाती है, एक बच्चा फान गया, दूसरा बच्चा मैं फान पाऊंगा कि नहीं फान पाऊंगा, वो डर रहा है, यही सोचता रहेगा तो नाली में जरूर गिर जाएगी, अरे ये फान गया तो नहीं फान जाऊंगा। तो आत्मविश्वास जरूरी है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आत्मविश्वास की। एक बार क्या हुआ, एक कुत्ता बहुत भूखा था, भूख तो बहुत खराब चीज होती है, बहुत कम बच्चों ने महसूस की होगी आज के ज़माने में, पुराने ज़माने में लोगों को भूख का एहसास होता था। जब बंटवारा हुआ था तो कैंप चौक में खाना मिलता था, एक टाइम तो मुश्किल से खाते गुजारा करते। आप लोगों को खाना खूब मिलता है, खूब बर्बाद भी करते हो, खाना बर्बाद नहीं करते। तो वो भूख के लिए कुत्ता बहुत भूखा था, सारे गाँव में घूम आया, उसको कुछ नहीं मिला। फिर क्या करें, वो सोचा खेतों की तरफ चलते हैं, जंगल की तरफ चलते हैं, शायद चूहा मिल जाए, बिल्ली मिल जाए, उसी को खा के गुजारा कर लेते। लेकिन चांस की बात न चूहा मिला,
न बिल्ली मिली, न खरगोश मिला, कुछ नहीं। अब क्या करें? एक सूखी हड्डी पड़ी थी, वो सूखी हड्डी खाने लगा। जब सूखी हड्डी खाने लगा तो वो तीखी हो गई थी, तो उसकी जीभ कट गई और जीभ से उसकी खून आने लगा। तो उसे महसूस हुआ, यार इसमें स्वाद तो आ रहा है, खून का स्वाद तो आ रहा है। वो स्वाद लेने लगा। इतनी देर में एक आहट होती है, आहट समझते हो ना, कि कोई आ रहा है, चाल सी सुनाई दी। तो उसने पलट के देखा कि शेर आ रहा है। बोला मर गया। एक तो भूखा मर रहा था, ऊपर से ये शेर खा जाएगा तब क्या करूं? आत्मविश्वास नहीं, भले मरना तो वही देखा जाएगा, हम घबराते नहीं इसे। जैसे नजदीक आया, बोला सूखे शेर की हड्डी में इतना मजा है, ताजा शेर खाने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। शेर बोला, ये मरियल सा कुत्ता, बड़े बड़े कुत्ते मेरे को देख के भाग जाते हैं, ये जरूर शिकारी कुत्ता है, मुझे लगता है गड़बड़ी, इसको खाने के लिए बचे। तो अपना शेर धीरे से पीछे आ गया, चला कौन पंगा ले सके। जब वापस जाने लगा तो बंदर देख रहा था। बंदर ने देखा, बोला वाह, अपने को कहते हो मैं जंगल का राजा हूं, शेर हूं, और उसने जरा से मरियल से कुत्ते ने तो ऐसे झूठ बोल दिया, तुम डर गए? बोला अच्छा ऐसी बात है, तो चल मेरे साथ। बंदर को अपनी पीठ पे बिठाया, फिर चल दिया। जैसे फिर उसको दोबारा आठ हुई या फिर आ गया, फिर भी घबराया नहीं, जो होगा देखा जाएगा। जैसे नजदीक आया, बोला मैंने बंदर को लगा रखा कि शेर को पकड़ के लाए, आज जब शेर को पकड़ के नहीं लाया ना, तो मुझे लगता बंदर खा के ही गुजारा करना पड़ेगा। शेर ने समझ लिया कि तो बंदर मेरे को पटा के लाया, वही बंदर को पटका और शेर भाग गया। तो बच्चों विपरीत परिस्थितियां आएंगी लाइफ में, लेकिन घबराना नहीं है आपने, आत्मविश्वास रखना है। और जो बच्चा आत्मविश्वास रखेगा वो कामयाब होगा। आत्मविश्वास के लिए सीखना है ना, तो मोदी जी से कोई ज्यादा सीख नहीं सकता, एपीजे कलाम से कुछ मतलब इसे बढ़िया कोई नहीं सिखा सकता। एक चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, लगातार ऑडिटर इतना वो इतना अच्छा वक्ता कि लगातार किसी बात पे बिना देखे बोलता चला जाता है। एपीजे कलाम साधारण से परिवार में पैदा हुए, उनके भाई अखबार बेचते थे। मैंने उनको बहुत उस पोजीशन में देखा, जब राष्ट्रपति बने तो 7-8 दिन तो चतुर्वेदी जी में पहली बार मिला था, वो प्रभात पब्लिकेशन से मेरी भी किताब पब्लिश हुई थी, उनकी भी किताब पब्लिश हो रही थी, तो वहाँ आए हुए थे भाई से बात करने। तब ये प्रधान राष्ट्रपति नहीं बने थे, तो मैंने ये कौन है, बहुत ऐसी तरह से बिखरे बाल बनिए, और हम तो जाते शीशे समाज ऐसे ऐसे कहीं करते, एक बाल भी रह जाता है तो इधर ऐसे होना चाहिए। उसको परवाह नहीं, उसको तो अपने एक की चिंता थी। आप ये मत कह लो कोई ज्यादा टाइम आपने अपने मिरर देखने में लगाना है और स्प्रे करने लगाने। लो, सबसे बड़ा जिंदगी है स्प्रे, आपका लक्ष्य है, जिस दिन पा लिया आपने तो सब कुछ हो। तो ये ध्यान रखना है कि कोई बड़ा पैदा नहीं होता, कोई महान पैदा नहीं होता। आप लोगों में से सारे भरे पड़े हैं, लेकिन जो अपने कर्म के अनुसार, अपने लक्ष्य के अनुसार चलता है और जो अपने आत्मविश्वास के साथ पढ़ता है, वही लोग कामयाब होते हैं। कितना बड़ा आत्मविश्वास है, कितनी मुसीबतें आती हैं, प्रधानमंत्री पद इतना इजी नहीं होता, लेकिन हम बहुत कुछ वहां भी सीखते हैं। तो ये सिर्फ आत्मविश्वास को सिखाता है। बहुत सारे बिना पढ़े लिखे लोग भी रहे हैं, ज्यादा पढ़ाई नहीं की है। यहाँ के मुख्यमंत्री भजनलाल जी थे, लेकिन भाषण देते थे तो बहुत अच्छा देते थे। चौधरी देवीलाल जी थे, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पढ़ाई नहीं की लेकिन भाषण बहुत अच्छे थे, क्योंकि उनका आत्मविश्वास। तो जिस आत्मविश्वास से आप काम करने लगेंगे, चाहे लिखाई हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे जीवन का कोई लक्ष्य प्राप्त करना हो, सब में कामयाब हो जाओगे। इस आत्मविश्वास कभी नहीं भूलना। उत्साह रखना है लाइफ में, जीवन में उत्साह नहीं तो कुछ भी नहीं, सारा खेल इसी का तो है। आप जब हंसते खुलते हैं अभी कुछ नहीं, अरे मेरे बस की बात नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। यदि आपको उत्साह है, जज्बा है, जोश है, जुनून है, ऊर्जा है, उमंग है, उत्साह है, तो सब कुछ कर सकते, कोई काम कठिन नहीं है। और यदि आप में जोश नहीं है, अरे ठीक है कर लेंगे, इस काम करने का कोई मजा नहीं आता। यहाँ जैसे शादी में जाने के लिए बड़ा जोश होता है, बर्थडे मनाने का बड़ा जोश होता है, ये करेंगे आज मेरा बर्थडे है, बड़ा जोश है, जज्बा है,
बड़ा जुनून होता है। ऐसे जुनून अपने लक्ष्य के प्रति रखना है, उत्साह बना कर रखना है, और जब ये कहते हैं ना उत्साह होगा तो आप कामयाब भी होंगे, और जब निराशा के साथ कोई काम करते हैं, निराशा के साथ कोई काम करते हैं तब कामयाब भी होंगे। कहते ना मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला रखना भी जरूरी है, हिम्मत रखना जरूरी है, उत्साह रखना भी है जरूरी है, तो वो लाइफ में जरूर रखना। फिर इसके बाद सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग लाइफ में बेहद जरूरी है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हम सब के लिए पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। कई बार नहीं मैं तो ये नहीं कर सकता, मेरे कुछ करेंगे, क्यों नहीं कर सकते हो? जब एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक अखबार बेचने वाले परिवार का राष्ट्रपति बन सकता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बन सकता है, सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक बन सकता है, तो आप क्या नहीं कर सकते हो? आपकी तो पोजीशन उनसे अच्छी है। जिस दिन आपने सोच लिया, जिस दिन आपने संकल्प कर लिया, जिस दिन आपने पक्का इरादा कर लिया कि मुझे ये बनना है, तो आप भी बन जाओगे। कोई कठिन काम नहीं, बस कठिन काम है थोड़ी परेशानी, मेहनत करनी पड़ेगी, परित्याग करना पड़ेगा, ये ठाठ बाट छोड़ने पड़ेंगे। शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, वो तो छोड़ना पड़ेगा, आराम की एसी में सोना छोड़ना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, ठीक है ना? ये सब चीज़ें जब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ये आपको नींद खोनी पड़ेगी। मम्मी चद्दर खींच रही है, अरे आप तो संडे है, आप तो सो लेने दो, तब आप उठ रहे 9 बजे 10 बजे तक, नहीं, खुद जब आपकी जिज्ञासा होती है ना, कहीं जाना हो, सर ने ट्यूर बना दिया कि आज बच्चों आपको घुमाएंगे जो कहीं जहाँ आपको बहुत अच्छा लगता है, चलो श्रीनगर घुमाते हैं, या आपको कहीं अच्छी जगह घुमा के ले चलते हैं, और सुबह बस चलेगी 4 बजे, आपको 2 बजे से नींद नहीं आती, 1 बजे उठ गए, अभी 1 ही बजा है, अभी 2 ही बजा है, क्योंकि आपने उत्सुकता है, जिज्ञासा है, अभिरुचि है। और जब ये चीज़ें होती हैं तो ऐसी जब आप जिज्ञासा और अभिरुचि होगी तो क्या कि मुझे IAS बनना है, मुझे ये बनना है, तो अपने आप नींद भाग जाएगी, आप अपने आप उठ जाएंगे, तो वो उत्सुकता बना कर रखें। अब जब आप सोचा आज सोना है तो सोने लो, जो सोते हैं बाद में रोते हैं, आपने क्या करना है वो आपको खुद देखना। तो सकारात्मक सोच की बात बता, इसकी भी एक बिल्कुल हकीकत कहानी है, और कहीं की नहीं वो हिसाब की है, नाम कर नहीं बताऊंगा। आप दो सगे भाई थे, और दोनों सगे भाइयों में इतना अंतर कुछ, एक शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति नामी ग्रामी बन गया, और दूसरा शराबी कबाबी नकारा जितने हैं गलत विश्लेषण लगाने वो सारे के सारे उसमें लगा। तो मीडिया वालों को उत्सुकता रहती है ना कि यार दोनों सगे भाई हैं, इतना अंतर कैसे हो गया? तो मीडिया वाले उनके पास पहुंच गए, पहले जो नकारा आदमी था उसके पास पहुंच गए कि भाई उसे मिले, भाई कैसे हो तुम? तो उसके भाई हो, बोले हाँ, तो तुम ये शराब पी के नाली में पड़े रहते, ये ऐसा क्यों करते हो? उसने 2-4 गालियां दी उसको, तुम्हें मेरे से क्या मतलब है, तुम्हें मेरे से क्या पूछना है? तो इसके बाद 2-4 गालियां सुनाने के बाद वो वहां से चले आए। फिर उसके बाद दूसरे भाई के पास जाते हैं, ध्यान से सुनो, दूसरे भाई के पास जाते हैं जो बहुत उद्योगपति बड़ा होता है, तो उसके पास जाते हैं, वो जो नकारा सा है वो तुम्हारा भाई, बोले हाँ हाँ। तो उस नकारे से भी पूछा, तुमने क्यों ये शराब पीनी शुरू कर दी? बोले ये सब मेरे बाप की देन है, मेरा बाप शराब पीता था तो मैंने भी शराब पीनी शुरू कर दी। फिर इसके बाद जो एक अच्छा इंसान था, जो बड़ा उद्योगपति था, उससे बात करने के बाद ये पूछते हैं कि आप इतनी बड़ी आदमी कैसे बन गई? अब वो आपका एक भाई है, वो बड़ा नकार, सगा भाई आपका, बोला हाँ है तो सगा भाई, और ये सब मेरे पूजनीय पिताजी की देन है। बोले क्या? वो शराब बहुत पीते थे, एक दिन मैं उनके साथ जा रहा था, उनको समाज में बहुत प्रताड़ित किया गया, बहुत अपमानित किया गया, उसी दिन मैंने कसम खा ली कि इस अपमान का बदला लेना है और मैं एक अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा। उसके कारण जब मेरे पिताजी ऐसा नहीं करते तो शायद मैं इतना बड़ा नहीं। तो उसने पॉजिटिव थिंकिंग रखी, बाप एक ही था, एक ने वो निगेटिव चीज़ सोची,
और एक ने पॉजिटिव सोची तो पॉजिटिव बना। तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि आपकी थिंकिंग कैसी है, आपकी विचारधारा कैसी है। आपके विचार अच्छे हैं, सकारात्मक है, तो निश्चित रूप से सफल होंगे। संघर्ष से लाइफ में बच्चे वही लोग बनते हैं जिन्होंने संघर्ष किया है। किसी का उदाहरण ले लो, चाहे APJ कलाम का ले लो, कितना संघर्ष किया। उनके पास खाना नहीं होता था, एक मंदिर के पुजारी के यहाँ रहते थे, उनके दोस्त के यहाँ जो खाना मिल जाता था, कपड़े नहीं होते थे, कोई कपड़े सिलवा देता तो ऐसी बने। ऐसी लाइफ में जिन लोगों के पास साधन सुविधाएं नहीं है तो उन लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अपने जो साधन है ये मत सोचो कि इसके पास एसी है, इसके पास बड़ी गाड़ी है, इसके पास बड़ा बंगला है। मेरे पास एक छोटी सी झुग्गी और झोपड़ी है, उसी में गुजारा करना पड़ता है, उसी में मैं भी सोता हूँ, मैं भी सोती हूँ या सोता हूँ, मेरा भाई भी सोता है, मेरा परिवार भी सोता है। अलग से कोई कमरा नहीं मिलता तो मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती। नहीं, ये कुछ नहीं सोचना है, जितने साधन है उसी से आपको गुजारा करना है। बहुत सारे लोग स्ट्रीट लाइट में पढ़ के, अब्राहम लिंकन जैसे स्ट्रीट लाइट में पढ़ के भी बड़े भी नहीं। तो आप अब तो वो इस पोजीशन सबकी बदल गई, पहले तो लाइटिंग ही होती थी, मस्टर्ड ऑयल सरसों के तेल से गुजारा करते थे, फिर ये आ गया आपका केरोसिन मिट्टी का तेल आ गया, फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी आ गई, तो रात में रात दिन बना दे और दिन को रात बना ली, सारी चीजें सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, तकनीकी इतनी डेवलप हो गई कि जो सूखा है तो वहाँ बरसात भी अब कर सकते हैं आर्टिफिशियल। तो कहने का मतलब संघर्ष जरूर करना सीखें, और जब तक संघर्ष नहीं करते ना तब तक कामयाबी नहीं मिलती। कहो तो एक कहानी इस पर भी बता दूं, मैंने सुनने का तो सुन लो एक कहानी। एक मूर्तिकार था, मूर्ति बनाने वाला, तो कहीं से गर्मी का टाइम था तो निकल रहा था, और गर्मी में प्यास बहुत लगती है, छाया मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो एक जंगल की तरफ जा रहा था, एक पेड़ मिला, पेड़ के नीचे बैठा तो नींद आ गई, फिर पानी पिया। उसको जो आदमी जैसी कला होती है उसके दिमाग भी उसी तरह से चलता रहता। तो शाम जैसे सो के उठा, उसको सामने एक पत्थर दिखाई दिया, बोला इस पत्थर से तो मूर्ति बहुत अच्छी बनाई जा सकती है। एक पत्थर उठा के लाया, जैसे छेनी हथौड़ी मारी, पत्थर बहुत चीखा चिल्लाया, क्या करेगा, मारेगा, मेरे को चोट लग गई, गुस्सा है, फेंक दिया, जितना कटा था उतना कटा और इसके बाद फेंक दिया। फिर दूसरा पत्थर उठा के लाया, फिर उसको तराशा, और तराशने के बाद एक बहुत अच्छी मूर्ति बनाई और उस पेड़ के नीचे रख दी, चला गया। दो तीन साल के बाद फिर गरीब उसी रास्ते से गुजर रहा था, फिर उसे प्यास के एहसास हुआ तो उसने देखा सामने एक मंदिर बहुत अच्छा बना है। कहते हैं मंदिर में कुछ प्रसाद मिल जाएगा मीठा खाने के लिए तो पानी और पिया जाएगा, मजा आ जाएगा। मंदिर में जाता है, मंदिर में देखता है कि वहाँ तो मेरी बनाई हुई मूर्ति रखी हुई है, बड़ा खुश हुआ। जब अपनी कृति होती है, जब अपनी रचना होती है तो आदमी को बहुत आनंद की अनुभूति होती है, बहुत अच्छा लगा, अरे ये तो मेरी बनाई हुई। फिर इसके बाद पुजारी से उसने कहा ये तो मेरी बनाई हुई, पुजारी बड़ा खुश हुआ और उसको मिठाई और मिठाई देती है। जैसे ही बाहर निकला तो उसको बड़ी जोर से ठोकर लगी, ठोकर लगी तो पत्थर बोला ओए कहाँ जा रहे थे, तो बहुत बदमाश आदमी। उसको मूर्ति बना दिया, रोज फल फूल मेवा मिठाई उसको खिलाई जाती है, और मेरे सिर में रोज नारियल धड़ाम 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 फोड़े जाते हैं। मूर्तिकार बोला भाई मैं तुम्हें ही मूर्ति बनाना चाहता था, लेकिन ना तुम्हें छेनी सही ना तुमने हथौड़ी सही, तो उसके कारण मुझे यूं ही छोड़ना पड़ा। तो जिंदगी में जितने परेशानियों के थपेड़े आपने उठाए हैं, जितनी आपने किल्लतें झेली हैं, जितनी आपने परेशानियां झेली हैं, वही लाइफ में आपको चमकाती हैं, वही आपको देवता पुरुष बनाती हैं, अच्छा पुरुष बनाती हैं। तो एक चीज ध्यान रखना है, संघर्ष की कभी पीछे हटना नहीं है। जिंदगी में संघर्ष तो आते रहते हैं, ऐसा कोई है जिसकी जिंदगी में संघर्ष ना हो, बड़े से छोटे लेकर सबके संघर्ष, हर आदमी परेशान है, हर आदमी के लाइफ में संघर्ष है, लेकिन उस संघर्ष को झेलता कैसे है, उठाता कैसे है, ये निर्भर करता है पुष्पा। यदि आपको संघर्ष का सामना करना आता है तो आप निश्चित रूप से निखर के आएंगे। ये सोना देखते हो ना, लड़कियां तो सोना खूब पहनती है ना, महिलाएं खास करके जब शादी आदि हो तो खूब गले तक लाज। ये किस लिए, सोना सुख देता है, सिर्फ एक ही चीज होती है प्रॉस्पर्टी की पहचान, कि मैं पैसे वाली हूँ, इससे ज्यादा कोई सुख नहीं देता। खो गया
तो ऐसे रोती हैं कि मेरा 10 तोले का था, 2 तोले का था, 4 तोले का था, कितने रुपए का नुकसान। अब क्यों ना ऐसा करो, आर्टिफिशियल पहनो, सोने से कम नहीं, चमक में कम नहीं, और खो जाए तो कोई गम नहीं। तो ऐसा काम करो, जरूरी है सोना पहनना, लेकिन सोने की तरह चमकना चाहते हो तो आपको छेनी हथौड़ी भी सहनी पड़ेगी, छीला भी जाता है, तपाया भी जाता है। तो ये चीजें हैं संघर्ष में कई लोग, यदि कभी मौका मिले ना, जिसको जो आपको बहुत अच्छा टीचर लगता है, प्रिंसिपल साहब अच्छे लगते, तो प्रिंसिपल साहब भी पूछना अलग है कि आपने जीवन में कैसे कैसे संघर्ष किए। सबके जीवन में आज जो बने हैं लोग, उनके पीछे कोई ना कोई संघर्ष की कहानी है। इन लोगों ने मेहनत की है, क्या क्या छोड़ा है इन्होंने, रातों की नींद छोड़ी है, सर्दियों के दिन में बिस्तर छोड़े हैं, तब जाके कामयाबी मिलती है। ये टीचर से ना आपके, ये टीचर से पूछना, आपको लगता है भाई टीचर बड़े ठाट जाते हैं, इनकी तो बड़े ठाट हैं, पूछो ना कितनी जिम्मेदारियां हैं, कहीं कितने काम करके आने पड़ते हैं। वो संघर्ष की कहानी हर एक की छिपी होती है, और जितने लोगों ने जितना संघर्ष किया उतने ही चमके हैं, उतने ही आगे बढ़े। हम स्वाभाविक रूप से लालची होते हैं, तो हमें प्रलोभन से ही बचना है। जब हमें लालच आ जाता है ना, वो गड़बड़ करता है, लालच से बचना है। लालची हम सब होते हैं कि हमें ये चीज मिल जाए, ये चीज, एक सीमित दायरे तक। ज्यादा लालची होना हमेशा नर्क का कारण बनता है। तो प्रलोभन से भी बचना, शॉर्टकट से बचना, 4 साल की डिग्री 1 साल में कर लो, बिना प्लस टू पास करे वकील से करवा देते हैं। ये जो चीजें हैं, ये शॉर्टकट लालच, ये छोड़ना है। हम हिंदू मेथोलॉजी में ऐसा मानते हैं, जो अच्छे काम करता है वो कहाँ जाता है, स्वर्ग में, और जो बुरे काम करता है वो कहाँ जाता है, नर्क में। एक बंदा हिसाब का ही था, उसकी डेथ हो गई। तो जब डेथ हो गई तो यमराज के दूत आए, उसको पकड़ के ले गए। फिर यमराज के दूत यम के पास पहुंचे, क्या करूं, बोले इसको स्वर्ग में रखूं या नर्क में रखूं, यदि अच्छे काम किए हैं तो इसको स्वर्ग में, यम बोले यदि अच्छे काम किए तो स्वर्ग में कर रख दो, यदि बुरे काम तो नर्क में डाल दो। बोले सर इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसका तो हिसाब किताब बिल्कुल बराबर है, जितने अच्छे काम किए इतने बुरे काम किए, फिर क्या करें। बोले ऐसा करो, उसे पूछ लो स्वर्ग में रहना चाहता है या नर्क में रहना चाहता। तो बोले भाई अच्छा बताओ, यम पूछ रहे कि स्वर्ग में रहना चाहते हैं नर्क में, लेकिन आदमी तो बड़ा होशियार था। वो बोले पहले दिखाओ कौन सा ठीक है, वो देखूंगा तब रहूंगा। फिर यम के दूत यमराज के पास गए, क्या ये तो कहता है जो दिखाओ मैं देखो, बोले चल दिखा दो। मूड अच्छा था, मंडे का दिन था, मूड भी बहुत अच्छा था, तो बोले ठीक है दिखा दो, लेकिन शर्त एक ही है, बाहर से दिखाना है, अंदर से नहीं है। गेट से बाहर, जैसे अपने स्कूल की जो गेट है ना, उसके गेट के बाहर से झांक के देख रहे कौन है, ये नहीं कि आप इसके अंदर घुसना है। तो बोले ठीक है, गेट के बाहर से दिखाया, पहले स्वर्ग दिखाया। तो कोई हवन कर रहा है, कोई पूजन कर रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई आता है, सब अपने अपने काम में बिजी, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। क्या बोले ये तो बात बन नहीं रही, मुझे नहीं आएगा, या तो कोई बोलते नहीं किसी से। बोले नर्क दिखाओ, बोले ठीक है नर्क दिखाया। तो वहाँ हरियाणा का डांस चल रहा है, हरियाणवी डांस, पंजाब का भंगड़ा चल रहा है, राजस्थान का कालबेलिया चल रहा है, गुजरात का डांडिया चल रहा है। बोले यार ये ठीक है, यहाँ मन लग जाएगा। बोले भाई देख लिया, बोले देख लिया, कहाँ रहोगे, बोलो मेरे को जी नर्क में डाल दो। बोले ठीक है दे दो, नर्क में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। नर्क में जो ले गए, जैसे गेट के अंदर एंट्री करी, पिटाई शुरू हो गई। बोले ये क्या है, मैं तो ये सब देख के आते हैं डांस आ रहा, आप पीट कर रहा हूँ। बोला ये तो मेरा पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है, नहीं यहाँ के फंसेगा कौन। तो जिंदगी में बहुत सारे पब्लिसिटी डिपार्टमेंट हैं, जो आपको पब्लिसिटी करके दिखाते हैं, 2 साल की डिग्री 1 में कर लो, ओपन से कर लो, वैसे कर लो, स्कूल छोड़ दो, क्या करोगे पढ़ाई करके डिग्री हम ऐसे ही दिलवा देंगे घर बैठे। फिर उनको जिंदगी में ऐसे डंडी और थपेड़े खाने पड़ते हैं, जैसे उसको लालच में चला गया ना, तो जिंदगी डंडे खाने पड़े, ऐसी डंडे खाने पड़ेंगे। तो ये देखना है, लालच नहीं करना है, मेहनत करना है, अपने बलबूते पे हासिल करना है।
कई बार होता है नहीं, आप ना को न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि सोने के लालच में ये कर दिया, आप गहने बदल लिए, ये करे, पढ़ी लिखी कई बार मूर्ख बन जाती है, सोने की पॉलिश की हुई है और सारा पैसा जेवर निकाल के दे दिया, वो लेके चला, ये लालच ही तो खराब करता है। उस लालच से बचने की जरूरत है, प्रलोभन से बचना है। प्रतिकूल परिस्थितियाँ हर एक के जीवन में आती हैं, परिस्थितियाँ अपने आप ही तो होती नहीं, अपने अनुसार तो परिस्थितियाँ हम बनाते नहीं, परिस्थितियाँ कई बार विपरीत हो जाती हैं। कितनी सीमा तक हमारी परिसीमा है, उन सीमाओं को कभी नहीं भूलना है, उन सीमाओं को कभी नहीं लांघना है। इसीलिए मुझे ध्यान आया कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं बोलता चला जाऊं, ये ठीक है मैं बच्चों को बिल्कुल बोर नहीं होने दूंगा, लेकिन इस सब के बावजूद कॉलेज की टीचर्स की मैनेजमेंट की व्यवस्था होती है उसको भी बनाए रखना जरूरी है। तो प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं, तो प्रतिकूल परिस्थितियों और परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको अनुकूल करने की जरूरत होती है। कहते हैं ना, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दम निगाहें, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाते हैं, हौसला मत हार, गिर कर मुसाफिर, ठोकरे जी आदमी को जीना सिखाती है, जितनी ठोकर खाती है उतनी जान सिखाती है। कभी आपने देखा चलते चलते ठोकर लगी, ईंट लगी है, अंगूठे अंगूठा फट गया, जूते नहीं पहने, चप्पल पहने तो अंगूठा फट गया, उंगली फट गई, खून आने लगा, लेकिन जब दोबारा आप जाएंगे तो आप सावधान रहेंगे, चौकन्ने रहेंगे, यहाँ मेरे को ठोकर लगी। तो ये ठोकरें जो हैं जिंदगी में वो आदमी को बात को सिखाती है। हम जितने बड़े बने हैं, कितने लोग हैं, इन लोगों को ठोकरें लगी। कहते हैं ना, दूध के देर आदमी छाछ घूट के पीता है, वो ठोकरें तो है। तो जिंदगी में जो परेशानियाँ आती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं, तो घबराना नहीं है, अरे मैं क्या करूँ, हाथ निराशा ताशा सिर पकड़ के बैठ गए, नहीं, उनका सामना करना है, उनका मुकाबला करना है। और जिस दिन मुकाबला करना सीख गया तो कामयाबी का पहला कदम आपने रख दिया है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। और जो ठोकरों से डर गया, वो कई बार एक कहावत भी ना, जो है ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना, बड़ा ये मुसल देखा जाएगा, तो हौसला रखना है। फिर इसके बाद सीमित साधनों, जितने साधन हैं आपके पास उन्हीं से फायदा उठाना है। मैंने ये बात पहले भी कही थी, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई आपको साधन सुविधाएं देने वाला नहीं, आपके पास छोटी सी झोपड़ी है, छोटी सी जगह है, छोटा सा मकान है, छोटे से साधन है, छोटी सी सुविधा है, उसी में से काम चलाना है। और जब उसी से आप काम कर चलाना सीख लेंगे तो आप कामयाब होंगे। कहते हैं ना, एक संस्कृत में कहावत है, क्रिया सिद्धि सत्य बहुत महता लोग करने, कार्य की सफलता साधनों पर नहीं व्यक्ति के परिश्रम पर निर्भर करती है। आप कितना परिश्रम करते हैं, कितना परित्याग करते हैं। मान लीजिए सपोज एक बच्चे ने बड़ी मेहनत करके स्कूल में फर्स्ट डिवीजन लाया, और एक बिना मेहनत करके उसको टीचर ने भी पढ़ाया, घर में भी सारे सुविधाएं थे, ट्यूशन भी पढ़ाया गया, टीचर्स का बच्चा होने के कारण स्पेशल छूट भी मिली, उसको नकल भी करवाई, बोर्ड में भी सिफारिश लगवा के नंबर लिया है। उन दोनों के बच्चों में अंतर होगा, उस जो बच्चे के सिर्फ फर्स्ट डिवीजन आई है और टॉपर नहीं बना है, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस जबरदस्ती होगा, या आपको सीढ़ी लगा दी ऊपर चढ़ना है, उसने अपने अकल से अपने मेहनत के बल पे संघर्ष करके मुझे आगे छलांग लगा के कैसे उछलना है, कैसे वहाँ पहुँचना है, जो अपनी मेहनत के बल पे पहुँचता है वो लोग निश्चित रूप से कर। तो एक चीज़ ध्यान रखना, कार्य की सफलता साधनों पर नहीं व्यक्ति के परिश्रम पर निर्भर, परिश्रम कितना करते हैं, परित्याग कितना करते हैं। जिस दिन आप मेहनत करना सीख जाओगे, परित्याग करना सीख जाओगे, संघर्ष करना जान जाओगे, तो निश्चित रूप से कामयाब। मुसीबत ऐसी है कोई जिसकी जिंदगी में ना आई है, ऐसा कोई है जो आज तक जो है कभी हंसा ना हो, कोई ऐसा है जो आज तक लड़ा ना हो, है कोई ऐसा, कोई है आज तक जो रोया ना हो? हम सब हंसे भी हैं, रोए भी हैं, तो जिंदगी में मुसीबतें तो आती हैं, जो तो रोते भी हैं, परेशान भी होते हैं। आज एक और इसका उदाहरण देना चाहूँगा, वो आज की इस घटना के आज के विशेष दिन की विभाजन की विभीषिका के साथ
बहुत सारे लोग आए थे, लोगों के लिए रहने की जगह नहीं थी, खाने की जगह नहीं थी, करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ के आए थे, उनको रिफ्यूजी कहा जाता था। आज भी पुराने लोग रिफ्यूजी कहते हैं। जो पंजाबी समुदाय है उसको रिफ्यूजी कहा जाता था, क्योंकि पंजाब से वहाँ से पाकिस्तान से आए थे, उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने रेड़ी लगाई, मेहनत की, फुटपाथ पे बैठे, लेकिन संघर्ष लगातार जारी रखा। आज उनके पास बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, फिर पूरा उसी तरह से स्थापित हो गए। लेकिन बड़े बड़े जो चौधरी थे तथाकथित कि मुझे कुछ नहीं करना है, बैठे हुक्का गुड़गुड़ाते रहे, मेहनत नहीं किया करने, तो आज वो भीख मांगने की कगार पे आ गए हैं, सब कुछ उनका बिक चुका है। तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि मेहनत जरूर करना है, परिश्रम जरूर करना है, सब कुछ छोड़ के प्रॉपर्टी फिर ABCD से शुरू हुई और फिर आके मंजिलें चढ़ पाई उन्होंने। ये विभाजन का दर्द उन्होंने झेला कि मैंने कैसे कैसे ठोकरे खाई हैं। बैठे से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ कर्म से मिलता है, परिश्रम से मिलता है, परित्याग से मिलता है, क्रियाशीलता से मिलता है। तो मुसीबतें तो आती हैं। एक बार क्या विवेकानंद का नाम सुना? विवेकानंद जी जंगल जा रहे थे, जंगल में बंदरों ने पीछा कर लिया और भागे वो बंदर। पीछा करे तो भागेंगे ही, जब भागना शुरू कर तो वहाँ चरवाहे थे, तो चरवाहों ने जब देखा तो बोले बाबा जी ठहरो। वो नहीं जानते थे विवेकानंद कौन कोई बाबा है, तो बोले बाबा जी ठहरो, ये बंदर नहीं मुसीबत है, यदि मुकाबला करोगे जबकि खड़े हो जाओगे तो ये बंदर भाग जाएंगे, यदि आप भागोगे तो आपको खूब पकाएंगे। तो ऐसी मुसीबतें आएंगी, उन मुसीबतों का मुकाबला करना है तो मुसीबतें अपने आप भाग जाएंगी। आप डरते रहोगे मुसीबतों से तो आपको डराती रहेंगी, आप भागते रहो और थक जाओगे, गिर जाओगे, परेशान हो जाओगे, फिर सफल नहीं होगे। तो उसने एक बात कही, बंदर नहीं मुसीबत है, मुसीबतें हैं, मुसीबतों का मुकाबला करना है। अब लेकिन ये सिद्धांत आप नहीं माने, बंदर आ रहा है पीछा कर, आप खड़े हो गए और काट लिया, बोले सर ने एक लेक्चर में कहा तो मैं तो भागा ही नहीं और मेरे को कटवा हो गया। नहीं, परिस्थितियों का भी ध्यान रखना है, परिस्थितियाँ कैसी हैं। लेकिन आप जब ज़्यादातर देखते हैं आप जितना भागते हैं ना, तो उस समय चाहे कुत्ता हो चाहे वो हो और खड़े हो जाए तो भागेगा। तो आप परिस्थितियाँ को भी ध्यान रखें, ये सारी चीज़ें हर सिद्धांत हर जगह लागू नहीं होता। समय का प्रबंधन, जो आपके पास टाइम है, टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। सुबह किस टाइम उठना है, किस टाइम स्कूल जाना है, किस टाइम आना है, किस टाइम सोना है, कब खाना है, कब खाना खाना है, कब टीवी देखना है, कब मोबाइल में रहना है, कब दोस्तों से बात करना है, एक समय सारणी होनी चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए। और कहता है जब समय पे चीज नहीं होती ना, आप क्या करते हो? पढ़ाई करते भी सारे साल, जब एग्जाम आ जाता है तो एग्जाम के बाहर याद हो जाता है, कुछ नहीं जो आता वो भी भूल जाते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर के पहले बिल्कुल फ्री होके जाए, कोई किताब लेके ना जाए, एक घंटे पहले बिल्कुल फ्री होके जाए। और आत्मविश्वास, जब पढ़ा है तभी तो आत्मविश्वास आएगा, पढ़ाई नहीं करके आए। कुछ चीजें होती हैं जो स्वाभाविक होती है, जैसे साक्षात्कार या इंटरव्यू होता है तो स्वाभाविक रूप से डर लगता है। आपको नहीं डर लगता, हम सबको भी डर लगता है, सर का इंटरव्यू सबको भी डर, मेरे इंटरव्यू तो मेरे को भी डर लगेगा, कौन सी ऐसी बात पूछ दे। हो सकता है मेरे को ना है तो कहेंगे थे आप प्रिंसिपल हो, फिर भी आपको नहीं आता, आप अपने आप को बायोडाटा पढ़ा जाता ये है ये किया तो आता तो कुछ भी नहीं। तो ये हर एक को होता है, लेकिन उसको आत्मविश्वास के साथ जब करते हैं तो वो फियर अपने आप खत्म हो जाता है, शुरुआत में होता है। और उसी में आपको एक बार होता है कोई पूछ नहीं गया, क्या पूछा जा रहा है, क्या हुआ, क्या नहीं, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो चीज़ है उस पर आपको स्टडी पे फोकस करना है, जो कंसर्न से रिलेटेड है, ठीक है ना। समय का प्रबंधन करें, समय पे काम करें। कहते हैं ना, का बरसा जब कृषि सुखानी, समय चूक पूरी का पछतानी। पानी जब समय निकल गया तो खेती सूख गई तो पानी बरसने का फायदा नहीं, जब समय निकल गया तो पछताने का फायदा नहीं। तो इसलिए समय रहते ध्यान देने की जरूरत। फिर इसके बाद अवसर, जिंदगी में अवसर हर एक को मिलते हैं, हर एक को मौके मिलते हैं, उस अवसर का फायदा उठाना होता है। अरे बाद में देख लेंगे, बाद में क्या देख लोगे आपने, फिर तो वही देख लेगा आपको। तो समय पे एक चीज हम अवसर का हमेशा ध्यान रखना है। और एकाग्रता, जब पढ़ाई करें तो पढ़ाई ही करनी है। आप किताब खोल लेते हो, सोच रहे हो किसी के बारे में,
फिर आपको याद रहेगा कि हम क्या पढ़ा है। आपको यही नहीं पता कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कौन सा पेज पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, याद ही नहीं रहेगा क्योंकि ध्यान तो कहीं और है, सब है तो सोच इसी। यदि मान लीजिए सबको उदाहरण के तौर पे आपके पास दिमाग नहीं, फिर आप क्या हो? लड़का हो, लड़की हो, बड़े हो, छोटे हो, गोरे हो, काले हो, दिन है, रात है, ये कौन बताता है? ये आपकी बुद्धि तो विवेक ही तो बताता है, मेधा तो आपकी बताती है। तो इसको आपको परिमार्जित करना है, इसको चमकाए रखना है, इसको कुशाग्र बनाना है। कुशाग्र आप उसके नजदीक जाओ तो पहले भाग जाएगा। का चेष्टा वो चालाक होता है, दूर से निगाहें लगाए रहता है। बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान, पानी में खड़ा रहेगा एक कान के बल, जैसे ही मछली आएगा थोड़ा पकड़ लेगा। का चेष्टा बको ध्यानम स्वानम निद्रा, कुत्ते की तरह नींद। आज के हल्के कुत्ते भी बदमाश हो गए हैं, कुत्ते की तरह निकल जाओ अगर सोते उठते नहीं कुत्ता, लेकिन फिर भी इतना है। यदि आप पड़ोस में कोई कुत्ता है, यदि आपको जानता है आप कहाँ से निकले, इसमें भी आती है उसको, और वो आँख धीरे से खोल के देख लेगा, जानता है तो चुप आँख बंद कर लेगा, और जो दूसरा है तो खदेड़ लेगा। अब आप क्या करते हैं? मम्मी चादर खींचे, उठो 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 बेटा, आज स्कूल जाना है, आज ये करना है, अरे रुक जाओ थोड़ी देर और सुन लो। स्वान मानी कुत्ते की तरह नींद, तुरंत उठना है तो तुरंत उठ जाए, ये देखिए एक घंटा और सो लेते, 15 मिनट रोक देते, नहीं उठना है तो तुरंत उठना है। स्वान मानी क्या करते हैं? स्वल्पाहारी, कम खाना, कम भोजन करना, और हम शाम को इतना भोजन कर लेते हैं कि नींद आ जाएगी, पढ़ाई तो होगी नहीं। स्वल्पाहारी, कम खाना, कम खाने का तो जितनी ज़रूरत है, और ऐसा लगता है आज शादी में आए जितना खा सकते हैं खा लिया, तो ये सोच बदलनी होगी। और खाने के साथ एक चीज़ बहुत याद आ गई, बर्बादी नहीं करना। फूड सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। आजकल हम जब शादी में चले जाते हैं तो अगर सिस्टम है तो उसमें क्या है, ये भी देखा चाहिए, ये भी देखा, ये देखा, ये चाहिए, और लास्ट तक इतनी प्लेट भर ली कुछ पूछो नहीं। फिर इसके बाद देखा इससे भी बढ़िया है, थोड़ा खाया नीचे से धड़ाम से रखी दूसरी प्लेट खाई। नहीं, बफे सिस्टम का मतलब है आपको जो चीज़ अच्छी लगती दोबारा ले सकते हैं। घर में भी आदत डालो कि चावल का एक टुकड़ा भी खराब नहीं होने देना है। चीज़ एक थाली में आ गई है तो उसको हर हाल में खाना है, पूरा करना है। ये अच्छी आदत अभी से डालोगे, नहीं तो लोगों की आदत थी, चाहे होटल में जाएं चाहे घर में जाएं, बर्बाद करते हैं। शादियों में तो अनाप शनाप बर्बाद होता है, होने दे फोन से अपने पैसे लगे, 500 रुपये दिए, 1100 रुपये दिए, बस होने दें। नहीं, ये सोच ही बदलनी है, हमें अच्छा काम करना है, हमें अच्छा बनना है, शिष्टाचार। यदि आप अच्छी बनना चाहते हो बच्चों, तो लाइफ में शिष्टाचार बहुत जरूरी है, अभिवादन करना बहुत जरूरी है। आप तो यहाँ मजबूरी में आ जाते हो, प्रैक्टिकल एग्जाम है या एक एग्जाम हो रहे हैं, उस दिन तो टीचर के आप घूरिए पैर छू लेते, और जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसके पैर छू लेते, और जो नहीं पढ़ाता उसको आप ठीक है नमस्ते भी नहीं कर रहे। पेरेंट्स हैं, पढ़े लिखे हैं चाहे नहीं पढ़े लिखे, पेरेंट्स आपके पेरेंट्स हैं, उनके पैर छूना है। कहावत है, अभिवादन शील से नित्य मृत्यु से बिना, अभिवादन शील से नित्य मृत्यु से बिना, तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम्। जिसके अभिवादन करता है बड़ों का उसकी आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ता है, यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, ये चीजें, यश भी बढ़ता है, बल भी बढ़ता है, शक्ति बढ़ता है। तो एक बार देखो उदाहरण करके, आप कोई पड़ोस में भी रहता हो ना बड़ो, तो उसके आप जाके पैर छू के देख लो, भूख बुजुर्ग है या दादाजी नाम नाम करके देख लो, सातवें दिन आपका कोई काम भूल जाता है तो जानते हो क्या करेगा, वो तोड़ के आपका काम पूरा करेगा। और यदि रोजगारी के लिए बुढ़ा बैठा रहता है, यहीं खांसता रहता है, कुछ नहीं करता, और सातवें दिन काम कर जाए तो उसे उठा जाए ना, उठा डंडा उठा के सिर में मारने की कोशिश करेगा। और आप तो यही चीजें आप पड़ोसी तक के लिए, आप अपनों के पैर छूते हैं, टीचर्स के पैर छूते हैं, देखिए आप कितना बड़ा परिवर्तन आता है उसकी सोच में और आपके विचारों में। तो बच्चों एक चीज ये ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति महान पैदा नहीं होता, आपके विचार, आपके संकल्प, आपके क्रियाकलाप, आपके उठने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, आपका आचरण, आपका चरित्र आपको बड़ा और छोटा बनाता है। आप में सारी प्रतिभाएं हैं, सारी योग्यताएं हैं, सारी दक्षताएं हैं, उनका इस्तेमाल करना है, उनको और निखारना है, निश्चित रूप से कामयाब होगी। बस लास्ट में एक बात, कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो बड़ा हो और कोई छोटा हो। मुझे तो लगता है मैं सारे दिन बात करूँ,
कि समय की भी सीमाएं होती हैं। तो बस एक ही चीज, एक ही सीख देना चाहता हूं, जो ये पॉइंट बताए हैं, जो बच्चा अपनी जिंदगी में अपनाएगा निश्चित रूप से कामयाब होगा। जो आपने सोचा है उसमें आप सफल होंगे। तो एक चीज ध्यान रखना है कि जो समस्याएं आई हैं, कहते हैं ना सोच बदलनी है, मैं आपकी सोच बदलने आया हूँ, आपको नए विचार देने आया हूँ। कहते हैं सोच बदलो सितारे बदलेंगे, सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा बदलो यानी अपने आप बदल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। इट्स अ वंडरफुल थिंग टू ड्रिंक फ्रॉम द माइंड्स ऑफ दोज हु हैव लेबर्ड लॉन्ग हार्ड एंड वेल। थैंक यू फॉर गिविंग अस द प्राइसलेस जेम्स यू अनकवर्ड ओवर द इयर्स इन योर स्पीच। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर अस।